मात्र 11 मिनट के अंदर इजराइल कुछ सोच पाता उससे पहले ही बड़ा खेल हो गया है। क्या पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हो गया है और वो भी इजराइल के ऊपर। 11 मिनट में कैसे अफरा तफरी मच गई है, जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर अब नया धर्म संकट आया है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ भारत से एक बड़ी चीज की मांग की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, कहां यमन के हूती विद्रोही। यमन से एक मिसाइल चलती है और ये मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरती है, जिसके बाद मचती है असली हलचल। दरअसल इस वक्त ना इजराइल हमास का जंग अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए भी क्योंकि अब उसकी जनता भी ये कह रही है कि सीज फायर डील कर लो, अब हमें लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, जो हमारे 101 बंधक हैं उन बंधकों को रिलीज कर दो। और ये प्रदर्शन इजराइल में जगह जगह पे हो रहा है। इजराइल में ये दिखलाने की कोशिश हो रही है कि सरकार अब संवेदनशील बने, इस युद्ध को रोके और लोगों को वापस लाए। दरअसल इजराइल में ये चीज़ ना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, अगर बंधक हैं तो फिर ये हजारों के हजार आतंकियों को छोड़ देते हैं, जेल में बंद ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए इन्होंने बहुत मशक्कत की हो। तो इजराइल में बहुत ज़्यादा मायने करता है बंधक, इसलिए पूरी रणनीति के साथ जो कुछ भी 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद हमास अपने साथ बंधकों को इसीलिए लेकर गए थे ताकि डील करने में आसानी हो। अभी भी 101 बंधक हैं जो फंसे हुए हैं। अब उनके छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर या साउंड के आधार पर ये भेजते रहते हैं ताकि इजराइल की जनता प्रेशर बनाए और प्रेशर बनाकर इस युद्ध को रुकवाए। इस मामले में फिलहाल के लिए अब धीरे धीरे इजराइल को अरब देश परेशान करे या ना करे, लेकिन उनकी जनता अब उतरने लगी है सड़कों पे। अभी ये समस्या हल हुई भी नहीं थी कि यहाँ पर यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा कांड हो गया। अक्सर यमन के हुती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर एरिया में समस्याएं खड़ी कर की जाती रही हैं। अब तो लोगों ने धीरे धीरे रिपोर्ट करना भी बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि ये आए दिन वाली बात हो गई। लाल सागर में कथित तौर पर अभी भी शांति नहीं है। अगर कोई व्यापारिक जहाज यहाँ से गुजरता है तो उन जहाजों को हुती विद्रोही निशाना बनाते थे। लेकिन आज सुबह सुबह 6:30 पर सायरन बजने शुरू हो गए सेंट्रल इजराइल, और ये सायरन बजे जब तक कुछ समझ में आता इजराइल के सैन्य अधिकारियों को, तब तक यहाँ पर एक्शन हो चुका था। और इस एक्शन के साथ देखने को मिला कि एक मिसाइल आकर गिरी बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास, और गिरने के बाद कुछ इस तरीके से आग लग गए। ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, सायरन बजने शुरू हो गए सेंट्रल इजराइल में, और जब मामला समझ में आया तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर निकला। हालांकि हुती विद्रोहियों ने सीधे कह दिया कि हमने जो फायर किया है इस बार उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने किसी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर नहीं किया है, बल्कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर किया है। एक बार को लगा कि ये तो यूं ही हवा में बोल रहे हैं, शायद डर पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इजराइल टाइम्स की खबर है। इजराइल टाइम्स क्या कह रहा है, इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि मिसाइल अटैक जो हुआ है ये 6:30 पर हुआ है, और उसी समय अलर्ट हमें सुनाई देने लगा, और मिलिट्री ने सेवरल अटेम्प्ट लिए, बहुत सारी कोशिशें की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कोशिश करा लेकिन ये हल नहीं हो पाया। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि IDF जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्स है, इन्होंने कहा कि ये इजराइल में ऐसे जगह पर गिरी, कैसे गिर गई, हम इसे क्यों नहीं रोक पाए, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार हम इसे रोक क्यों नहीं पाए। इजराइल की डिफेंस इतना मजबूत होने के बावजूद वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो इसके पीछे पता ये चल रहा है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मिसाइल 6:21 पे लॉन्च हुई और ये सेंट्रल एशिया पहुंच गई 6:32 पे, और हुती विद्रोहियों का ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से पहुंची है
मात्र 11 मिनट में। 11 मिनट में ये इजराइल के अंदर पहुंच चुके थे और इजराइल के जो आयरन डोम है या फिर एरो डिफेंस सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज की अब तक मिसाइलों को या रॉकेट्स को हैंडल करते थे, इन्होंने रोकने की कोशिश करी लेकिन ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ आ रहे थे तो इसे रोक नहीं पाए, इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हालांकि कोशिश की गई, इस वजह से कुछ चीज़ें हुई, ट्रेन स्टेशन थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज हुआ है लेकिन लोगों को कोई खास नुकसान नहीं पहुँचा है। हालांकि अभी इसके वीडियो पिक्चर्स ऑनलाइन बार बार आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी क्षति हुई है। हालांकि ये कह रहे हैं जो ग्लास वगैरह है वो सब कुछ डैमेज हुआ है वगैरह वगैरह, यानी कि डैमेज तो खास नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने, अगर ये सच है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है तो ये एक बहुत बड़ा तहलका है। हाइपरसोनिक के लिए अभी कई सारे देश तैयार नहीं हैं, शायद इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी इस मामले को लेकर अभी तैयार नहीं होगा। पर यह हमला अगर हो गया तो सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इन तक पहुंची कैसे है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस वक्त दुनिया के लिए चौंकाने वाली हैं। जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि इजराइल टाइम्स ने ये भी कहा कि हुती अब हिब्रू में ट्वीट करके टोंट कसने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारे घर तक घुस गए और हम आगे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। जहां इजराइल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊपर अब अमेरिका एक दबाव बना रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, भारत के ऊपर पहले रूस से तेल को खरीदने को लेकर दबाव बनाए गए थे लेकिन भारत ने इस दबाव का कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार तेल खरीदता रह गया भारत। पर अब दूसरा है कि रूस की जो मीडिया है आरटी या फिर स्पुतनिक, उनको दुनिया भर के देशों से कहा जा रहा है कि आप अपने देश में उसे प्रतिबंधित कीजिए। इनका कहना है कि रूस की मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, दूसरे देशों में गलत खबरें फैलाती है, ये चीज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत को भी कहा है कि भारत में आरटी और स्पुतनिक इंडिया इनको बैन किया जाए और बैन करके इनको बोलने से रोका जाए। हालांकि भारत फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा एक्शन लेगा। कहा जाता है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये हमारी चीज नहीं है, यानी कि फ्री स्पीच को लेकर अब भारत यहाँ पर कोई बंदिश लगाने जाएगा ये बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस के साथ भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने जाएगा, ना आरटी बैन होगा और ना ही स्पुतनिक इंडिया बैन होगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल भारत के लिए एक धर्म संकट भी है कि भारत अमेरिका की बात मानता है नहीं मानता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।